everyone, welcome back to my channel. I'm Pallavi and in this channel we talk everything about fashion. So, आज के वीडियो में I'll tell you कि आप कैसे घर बैठे बैठे just 4 easy step में अपना body type जान सकते हो. And इस वीडियो के लिए you just need inch tape and you are done. So now let's begin. So, अगर आपको अपना बॉडी टाइप जानना है तो आप अपना इंच टेप ले आइए. एंड फॉर दैट आपको जैसे कपड़े पहनने हैं टू मेजर योरसेल्फ, आपको मेजर लेना है फॉर शोल्डर, फॉर चेस्ट, फॉर वेस्ट एंड फॉर हिप्स. एंड उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स. और मेजरमेंट्स लेने के लिए आपको किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, ट्राई कि आप ऑल ब्लैक या ऑल व्हाइट में जाओ ताकि आपको इंच टेप का मेजरमेंट्स ठीक से दिखे. एंड दूसरा, अगर आपके घर में कोई फुल लेंथ मिरर है, आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओ एंड आप मतलब अपने मेजरमेंट्स मिरर में भी देख सकते हो. और ट्राई कि आपके कपड़े ना ज़्यादा टाइट हों ना ज़्यादा लूज हों, क्योंकि अगर लूज होंगे तो इट विल ऐड टू योर मेजरमेंट्स एंड बहुत ज़्यादा टाइट होंगे तो इट विल स्क्वीज योर मेजरमेंट्स. तो मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली फॉर योर क्लोथ्स. So now let's start with measurements. Measurements के लिए आप बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े ना पहने जो बहुत ज़्यादा थिक हों, आप पतले कपड़े पहने जो ज़्यादा इंचेस में ऐड ना करे. एंड जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक पतली सी जॉकी की टी शर्ट पहनी है एंड मैंने फॉर बॉटम टाइट्स पहना है. तो आप इस टाइप के कपड़े पहन सकते हो. आप ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आपका लाइक इंच टेप से मेजरमेंट्स आपको ठीक से दिखे. Now let's start with shoulder measurements and उसके बाद आप अपना measuring tape लेके from your one shoulder to second shoulder आप measure कर सकते हो. अगर आपकी t-shirt fitted है then t-shirt का जो shoulder to shoulder end होता है, like जहाँ से sleeve start होते हैं जहाँ पे दूसरी sleeve start होती है वहाँ से वहाँ तक का आप measurement ले सकते हो. and never do कि आप झुक के अपना measurements देखो. आप measurement के लिए वहाँ पे hold कर सकते हो and just हल्का सा slightly अपना head down करके देख सकते हो या ऐसे सामने ला के देख सकते हो या आप अगर आपके पास कोई full length mirror है तो आप उसमें भी देख सकते हो. नेक्स्ट हम चेस्ट मेजर करेंगे. एंड चेस्ट मेजर करने के लिए आपको इस तरीके से अपना लाइक मेजरिंग टेप फोल्ड करना है लाइक आपके पूरे राउंड में एंड झुक के नहीं देखना है. उससे आपके मेजरिंग इंचेस थोड़े चेंज हो सकते हैं. होल्ड कीजिए एंड उसे सामने ला के देखिए या फिर आप एक मिरर में देख सकते हैं या आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आपके इंचेस देखने के लिए. एंड जब आप ऐसे राउंड में मेजरमेंट्स लेते हैं मेक श्योर कि वो फ्लोर से पैरेलल हो आपका मेजरिंग टेप. ऐसे नहीं कि सामने में ऊपर है नी और पीछे में वो थोड़ा सा डाउन हो गया है. मेक श्योर कि वो पैरेलल हो फ्लोर के, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो. एंड ऑलवेज कीप वन फिंगर अपने इंच टेप के मिडल में ताकि बहुत ज़्यादा टाइट आप उसे मेजर ना करो. एंड वेस्ट मेजरमेंट के लिए भी आपको सेम फॉलो करना है जो आपके चेस्ट मेजरमेंट के लिए फॉलो करना है एंड फॉर हिप मेजरमेंट्स एज वेल. एंड आप झुक के ना देखें तो ज़्यादा बेटर है. आप मिरर में देख सकते हैं, आप इंच टेप होल्ड कर सकते हैं मेजरिंग टेप को एंड उसे सामने ला के देख सकते हैं. फॉर हिप मेजरमेंट्स आपको वाइडेस्ट पार्ट को मेजर करना है एंड उसके मेजरमेंट लेनी है. सो नाउ अब आपके पास सारे मेजरमेंट्स अवेलेबल हैं आपके शोल्डर के, फॉर चेस्ट, फॉर वेस्ट, फॉर हिप. एंड अब हम देखते हैं कि आप किस बॉडी टाइप के हो. सो फर्स्ट बिगिन विद द इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी टाइप. अगर आपका शोल्डर मेजरमेंट्स इज ग्रेटर देन योर वेस्ट मेजरमेंट्स एंड योर हिप मेजरमेंट्स देन यू आर अ इन्वर्टेड ट्रायंगुलर बॉडी टाइप. जहाँ पे आपके शोल्डर्स थोड़े ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं आपके बॉडी में एंड प्रोपोर्शनेटली आप ऊपर ज़्यादा वेट गेन करते हो रादर देन की बॉटम. एंड नेक्स्ट बॉडी टाइप इज अ ट्रायंगुलर बॉडी टाइप और अ पियर बॉडी टाइप. तो उसमें योर शोल्डर इज कंपेरेटिवली स्मॉलर देन योर hip measurement, that is my body type. I am a pure body type or a triangular body type. Next body type is hourglass body type, जहाँ पे आपके shoulder measurements are equal to your hip measurements and आपका जो waist measurements होता है that is come relatively smaller than your shoulder and your hip measurements. So next body type is the oval body type, जहाँ पे आपके shoulder comparatively smaller होते हैं and आपके legs थिनर होते हैं एंड आपकी टमी अगर थोड़ी सी राउंडेड है
then you are a oval body type. Last but not the least is a rectangle body type, जहाँ पे आपके shoulder measurements, your waist measurements and your hip measurements are comparatively like equal here and there. थोड़ी बहुत difference होती है आपके shoulder measurement, आपके waist measurements and आपके hip measurements में. And in rectangle body type बहुत ज़्यादा curves नहीं होते हैं, they are like skinny body type. So yeah, this is all about this video. And अगर आपके पास inch tape नहीं है तो आप कैसे measurement कर सकते हो, आप एक thread ले सकते हो and आप measurements के हिसाब से thread cut करते जा सकते हो जगह से. तो आप उसे लाइक थ्रेड को लाई डाउन करके देख सकते हो कि कौन सा थ्रेड लाइक हिप का थ्रेड बड़ा है या वेस्ट या चेस्ट या शोल्डर. आप वैसे भी मेशर कर सकते हो अगर आपके पास इंच टेप या मेशरिंग टेप नहीं है तो. एंड या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड इन नेक्स्ट वीक वीडियोज I'll tell you all about these body type, कि आप किस टाइप के कपड़े पहन सकते हो and what will suit you, what will not suit you and the easy ways कि आप अपना style कहाँ से copy कर सकते हो. So yeah, stay tuned and I'll see you in next video. Thank you so much for sharing your time. Until next time, happy styling!